आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने का विरोध करना और फिर भारत को आंख दिखाने की कोशिश करते हुए सभी कारोबारी रिश्ते तोड़ना अपनी अर्थव्यवस्था पर ही कुल्हाड़ी चलाने जैसा फैसला साबित हो रहा है। पाकिस्तान में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी महंगाई का आलम यह है, सोना 86,000 प्रति 10 ग्राम के भाव को भी पार कर गया है। बीते एक हफ्ते में पाकिस्तान में सोने की कीमत में 1750 रुपए की तेजी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दामों में पहले से आग लगी हुई है। आप कंगाल पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जहां हमारे देश में प्रति 10 ग्राम सोना 37,900 रुपए का मिल रहा है, वहीं पाकिस्तान में ये दोगुने से भी ज्यादा पहुंच चुका है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव उपजा, उसी वजह से पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर भारी नुकसान हो रहा है। कराची स्टॉक एक्सचेंज से निवेशक दोनों देशों के बीच टेंशन देखकर तेजी से अपना पैसा निकाल रहे हैं। भारत से तनाव बढ़ने की वजह से पाकिस्तान के शेयर बाजार को भी तगड़ा नुकसान पहुंचा है और बीते 5 सालों में वहां सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सिर्फ 2 दिनों में पाकिस्तान में कराची स्टॉक एक्सचेंज में करीब 1500 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है और निवेशकों के 7400 करोड़ पाकिस्तानी रुपए डूब चुके हैं। भारत से कारोबार रोकने का फैसला पाकिस्तान के लिए कई मुश्किलें खड़ी कर रहा है। भारत से निर्यात होने वाले कच्चे मालों पर प्रतिबंध की वजह से वहां कपड़ा उद्योग और दवा उद्योग को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि भारत की तरफ से हर साल करीब 45 अरब डॉलर का कच्चा माल पाकिस्तान को निर्यात किया जाता है। वहीं भारत जितना माल पाकिस्तान को निर्यात करता है उसकी 1/4 से भी कम माल वहां से आयात करता है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक साल 2018-19 में पाकिस्तान ने भारत से 55.3 करोड़ डॉलर मूल्य का कपास और 45.77 करोड़ डॉलर मूल्य का ऑर्गेनिक केमिकल दवा बनाने के लिए आयात किया था। भारत से पाकिस्तान मुख्य तौर पर चीनी, चाय, ऑयल केक, पेट्रोलियम ऑयल, कच्चा कपास, सूती धागे, टायर, रबर, डाई, रसायन समेत 14 वस्तुएं प्रमुख रूप से भेजी जाती हैं। पाकिस्तान बड़े पैमाने पर भारत से टमाटर का आयात करता है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच 35 अरब डॉलर से अधिक के कारोबार की संभावना है, जिसे पाकिस्तान अब खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर खत्म कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।